हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सक्षम मोबाइल पर। दोस्तों, आज हम सैमसंग M135FU सैमसंग M13 को एंड्रॉयड वर्ज़न 14 में FRP लॉक अनलॉक करना सीखेंगे चिमेरा टूल से। सेट को पहले टेस्ट पॉइंट के द्वारा EUB मोड में ले जाना पड़ेगा। EUB पॉइंट को शॉर्ट करेंगे और सिस्टम से कनेक्ट करेंगे। देखिए, सेट कनेक्ट हो चुका है। अब जो भी हमारा मॉडल है वो सेलेक्ट करेंगे। M135FU है हमारा मॉडल, तो इसके एरो पर क्लिक करेंगे, नीचे वाला मॉडल सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे। देखिए, EUB मोड में सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। अब जो भी आपको फंक्शन यूज़ करना है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। नॉक्स कार्ड, रिमूव लॉस्ट मोड, RMM मोड और FRP लॉक। तो हमको FRP करना है तो FRP पर क्लिक कर देंगे। थोड़ी देर वेट करेंगे। FRP सक्सेसफुली रिमूव हो चुका है। मोबाइल दोबारा EUB मोड में चला गया है। जब भी आप मोबाइल को कनेक्ट करेंगे EUB मोड में, चिमटी से पिन शॉर्ट करें या जम्पर वायर से, तो उसको कनेक्ट होने के बाद हटा लेंगे, नहीं तो दोबारा EUB मोड में मोबाइल चला जाएगा। अब हमको दोबारा वही प्रोसेस करना है। M135FU सेलेक्ट करेंगे, FRP में जाएंगे, FRP रिमूव पर क्लिक करेंगे। अब हमने जम्पर हटा दिया है तो अब ये दोबारा EUB मोड में नहीं जाएगा। देखिए दोस्तों, FRP सक्सेसफुली रिमूव हो चुकी है। सैमसंग 14 वर्ज़न था ये M135FU का। चिमेरा टूल से EUB मोड में एक्सिनोस CPU की आप कोई भी FRP हटा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।